हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ, आपको कुछ बता रही हूँ कि जो हमारे ये छोटे वाले काचरे होते हैं, ये जो काफ़ी लोग होते हैं इनके बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो इनको हम साल भर तक के स्टोर करके कैसे रखेंगे ये जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे हरे वाले काचरे हैं, ये काफ़ी मीठे हो गए हैं अब, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो ये अच्छे से मीठे हैं, हरे दिख रहे हैं लेकिन मीठे हैं ये। और इनको हम साल भर तक स्टोर करके कैसे रख सकते हैं वो बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। ये हमारे खेत के देसी काचरे हैं, जैसे मैंने इसके वीडियो बनाया था, इसका व्लॉग भी बनाया था, आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो भी आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप इसको ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि काचरों को अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि ये खेत में होते हैं, मिट्टी के ऊपर होते हैं, तो इनके अंदर काफ़ी मिट्टी रहती है, तो इनको हम अच्छे से धो लेंगे पहले, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे हम। और जैसे हम काचरे को लेके आते हैं ना, तो इसमें से काफ़ी गिल्ले भी हो जाते हैं और जैसे वो ख़राब होने लग जाते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, इस तरह से अच्छे से धो के इनको काट के इनको काम में ले सकते हैं, और जब चाहे हम इसकी चटनी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। जैसे अभी सर्दियां आ रही है, तो सर्दियों के अंदर हम मूली के साथ इसकी सब्जी बनाते हैं, तिल डाल के, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अभी हम इसको अच्छे से पहले धो लेते हैं, इस पर मिट्टी है जो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो इनको अच्छे से धो के मिट्टी बिल्कुल उतार लेनी हमें इसमें से, और इसका पानी है जो हम निकाल लेंगे। पहले के ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे ना, जैसे मेरी नानी है, तो हम जाते हैं ना तो हमें वो बताते रहते हैं बातें पहले की, कि पहले के ज़माने में हम जैसे हम मंडी से जाते हैं, हर तरह की सब्ज़ी खरीद के लाते हैं, तो वो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। वो क्या करते थे, जैसे सांगरी और कैर की सीजन होती थी ना, तो बहुत सारी सांगरी और कैर इकट्ठा करके रख लेते थे और फिर उसकी सब्जी बनाते थे, बहुत ही टेस्टी बनती थी। और जैसे अभी ये काचरे हैं, गंवारफली है, मतीरा, ककड़ी जो भी होती है ना इस सीज़न में, टींसी है, इस सीज़न के अंदर वो क्या करते हैं कि इनको पहले तो ये जो हरे होते हैं उनकी सब्जी का आनंद ले लेते हैं, खूब सारी बना लेते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है, और फिर इनको काट के सूखा के स्टोर करके रख लेते हैं, तो सर्दियों में भी बनाते हैं और फिर आगे गर्मियों की सीज़न आती है उसमें भी इसकी सब्जी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और गाँव में देसी स्टाइल में बनाते हैं तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो इसका पानी हम सारा निकाल देंगे। तो देखिए, काचरे को हमने धो के अच्छे से साफ़ कर लिए इन सबको, तो अभी हम इसको काटेंगे। तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, उसको हम अलग कर लेंगे इस तरह से, और फिर आप इसको कोई भी शेप में काट सकते हैं, जैसे इस तरह से लंबाई में काट सकते हैं इनको, इस तरह से इसके चार भाग कर दीजिए या दो भाग कर दीजिए, कैसे भी कर दें, ये सूख के तैयार हो जाते हैं अच्छे से, या फिर आप इसको गोल गोल भी काट सकते हैं। जैसे ये काचरा है जो देख सकते हैं, ज़्यादा पका हुआ है, ये थोड़ा कम पका हुआ है, कच्चा है, लेकिन ये अभी कड़वा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि अभी बारिश काफ़ी हो गई है ना, तो काचरे हैं जो कड़वे नहीं होते हैं। और अभी के सीज़न के जो काचरे हैं ना, दीपावली तक हमें आराम से ये हरे काचरे मिल जाते हैं, खेतों में भी मिल जाते हैं, क्योंकि फसल पूरी लेने के बाद भी ये पीछे ना बेले छोड़ देते हैं, हरी बेले होते हैं ना, उनको छोड़ देते हैं, पशु नहीं चराते उसके अंदर, तो ये आराम से हमें काचरे मिल जाते हैं। मेरी नानी तो दीपावली तक हमारे काचरे भेजती रहती है और हम सब्जी बनाते रहते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और इंतज़ार करते हैं कि काचरों की सीज़न कब आएगी और कब हम सब्जी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे इसकी सब्जी। इसीलिए मैं इनको क्या करती हूँ कि अभी हम बना लेते हैं, फिर हम इसको स्टोर करके भी रख लेते हैं, ताकि हम सर्दियों में ना इसकी सब्जी बनाते हैं मूली के साथ, जो मूली होती है ना, कच्ची मूली आती है उसके साथ सब्जी बनाते हैं, कूट के तिल डालते हैं उसके अंदर, और इसकी चटनी भी बनाई जाती है। तो इसकी जो चटनी बनती है ना, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। चटनी के अंदर क्या होता है कि ये काचरे जो है ना पूरे सूख जाते हैं ना, उसके बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। आप चाहे तो पहले भी पीस के आप डब्बा भर के रख सकते हैं, जब चाहे इसको काम में ले सकते हैं, या फिर जब आप चटनी बनाएं ना, तो लाल जो मिर्च होती है, लाल मिर्च और लहसुन के साथ डाल के आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। इसका वीडियो भी शायद आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैंने बना रखे होंगे, इतने सारे वीडियो बना रखे हैं तो मुझे थोड़ा याद नहीं है कि बना रखा है। हरे काचरे की चटनी तो मैंने बना रखी है, लेकिन इसका मुझे याद नहीं है, नहीं होगी तो मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ही अच्छी लगती है।
और काचरे सबको बहुत पसंद आते हैं, तो शायद आपको भी पसंद आए, तो आप भी इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं उनको पूरे साल भर के लिए। वापस ये सीजन आएगी ना, जब तक ये आपके काचरे ख़राब नहीं होने वाले, एकदम ऐसे कैसे रहेंगे, और जब चाहे आप इसका आनंद ले सकते हैं। और इसी तरह आप गंवारफली होती है ना, उनको भी सुखा के स्टोर करके रख सकते हैं, जो देसी गंवारफली होती है, फिर इन काचरों के साथ उनकी सब्जी बना सकते हैं जब चाहे, वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो अभी मैं सारे काचरे काट के तैयार कर लेती हूँ, फिर हम इसको सुखाएंगे। तो देखिए, आप इसको छिलके समेत भी काट सकते हैं, आप इसको छील के भी काट सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम छील लेंगे इसको, जैसे हम सब्जी बनाते हैं, लेकिन जैसे इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूखने के बाद ही अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन किसी को ऐसे पसंद हो कि भाई हमें छिलके समेत पसंद नहीं है, तो आप इसको छील भी सकते हैं। इस तरह से छील के भी आप काट के भी सुखा सकते हैं इसको, या फिर ऐसे काचरा मैंने छील लिया है, फिर इसकी क्या होती है, माला बनाई जाती है। जैसे इसके अंदर से ना डोरा पोया जाता है और काचरों की पूरी माला बनाई जाती है, उसको ना धूप में सुखाया जाता है, फिर इसकी सूख जाती है ना, तो बहुत ही अच्छी इसकी भी चटनी बनती है। तो आप इस तरह से भी इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कर रही हूँ, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। और छीलने के बाद भी आप इसको इस तरह से काट के भी सुखा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मैं ये काचरे काट रही हूँ, इनको स्टोर करके रखेंगे। लेकिन जो हमारे राजस्थानी भाई बहन है ना, उनको तो पता होगा कि इनको ऐसे, मतलब उनके भी परिवार में कोई होगा जैसे बुजुर्ग दादी नानी जो भी होती है, उस तरह से स्टोर करती होगी काचरे और फिर बनाती होगी। लेकिन आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं ना, इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये क्या होता है, ज़्यादातर तो बच्चे आजकल के समझते ही नहीं है काचरे क्या होता है, देसी खान पान क्या होता है। लेकिन जो समझते हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे आपने मेरा व्लॉग देखा था, उसमें मेरी नानी और नाना को देखा था। मेरे दादी दादा तो है नहीं, इसलिए मैं अपनी नानी नाना के साथ ही व्लॉग बना लेती हूँ और उनके गांव जाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आपने देखा उनकी एज कितनी है, फिर भी आज भी वो है ना घोड़ों की तरह दौड़ते हैं। उनका दौड़ने का कारण यही है कि वो देसी खान पान है, ताज़ी हवा मिलती है, अच्छे से रहते हैं, सब कुछ अच्छा खाते हैं। अपन की तरह बर्गर और पिज़्ज़ा खा के पेट नहीं भरते हैं, आराम से चूल्हे पे बना हुआ सोगरा खाते हैं, सब्जी खाते हैं, देसी घी खाते हैं गाय का, और अच्छे से रहते हैं। राबड़ी खाते हैं, राबड़ी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और वो खूब राबड़ी खाते हैं, इसीलिए अभी तक वो इतने मतलब यंग लगते हैं। तो आप भी कभी गांव जाए ना, तो इस तरह की रेसिपी ज़रूर खाएं, ट्राई करें। और यदि आप गांव से हैं तो भी ज़रूर करें, या आप सिटी से हैं तो भी, आपको काचरे तो आपको मंडी में आराम से मिल जाते हैं, इस सीज़न में तो बहुत आ रहे हैं, आपको मिल जाएंगे। तो आप इसकी सब्ज़ी बनाएं, स्टोर करके रखें, गंवारफली को भी स्टोर करके रखें, बहुत ही अच्छा लगता है इसकी सब्ज़ी। और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ आगे आने वाले टाइम में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही है, तो सर्दियों में क्या होता है, मूली आती है, जो कच्ची मूली होती है ना, जब वो आने लगती है सीजन में, बिल्कुल छोटी होती है ना, तब उनकी सब्जी काचरों के साथ मिला के बनाते हैं और फिर साथ में सोगरा बनाते हैं, तो वाह, खाने का इतना मज़ा आता है ना। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना। और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, बाजरी का सोगरा, मूली और काचरे की सब्जी, जिसमें तिल डाल के बनाई थी मैंने, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और नहीं है तो मैं आपको ना नया वीडियो भी बना के बताऊँगी जब ये काचरे सूख के तैयार हो जाएंगे। तो अभी तो हम काचरे काट लेते हैं, बातें तो बहुत हो गई है, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स हैं वो ऐसे भी कमेंट करेंगे कि आप काम कम करते हो और बोलते बहुत ज़्यादा हो, इसलिए अभी मैं काम कर लेती हूँ, बोलना बस ख़त्म कर देती हूँ यही। तो अभी मैं फटाफट से हाथ चलाती हूँ और सारे काचरे काट के तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी इनको कैसे सुखाना है, कितने दिन सुखाना है, वो भी बताएँगे आपको वीडियो के अंदर। तो ये देखिए, मैंने सारे काचरे काट के तैयार कर लिए हैं, इनको इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अभी हम इसको बाहर सुखाने चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक पोलोथीन बिछा के रख लिया है माचे पे, आप किसी पे भी सुखा सकते हैं, ऐसे छत पे भी बिछा के सुखा सकते हैं, मैंने माचे पे, तो इसको इस तरह से डाल देंगे, पोलोथीन के ऊपर ही डाल लें इसको, और अच्छे से हाथों से फैला दें। अभी क्या, इसमें दो तीन दिन की अच्छी धूप लगेगी ना, तो ये अच्छे से सूख के तैयार हो जाएंगे। दो तीन दिन की धूप लगने के बाद ये अच्छे से सूख जाएंगे ना, तो मैं आगे का वीडियो आपको बताऊंगी कि इसको स्टोर करके कैसे रखना है। तो चले मिलेंगे 3 दिन बाद। तो ये देखिए, 2-3 दिन की धूप लगने के बाद हमारे काचरे हैं जो अच्छे से सूख गए हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, ये देखिए
अब हम इसको एक बर्तन में या किसी भी डब्बे में भर के रख सकते हैं, साल भर के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इसकी सब्जी कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यदि आप चाहते हैं कि इसकी सब्ज़ी कैसे बनती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।